हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में एडमिशन प्रोसेस और साथ में लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और बेस्ट ब्रांचेज, हायर क्लिनिकल ब्रांच हो या लोअर क्लिनिकल ब्रांच हो, यदि आपका नीट स्कोर 200-350 के बीच में आता है तो कौन कौन से स्टेट में आपको मिल सकते हैं सीटें, किस किस स्टेट का फॉर्म भरना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और किस तरीके से काउंसलिंग अप्रोच कर सकते हैं, क्या आपको ये सीटें राउंड वन में मिल सकती है या राउंड टू में मिलेंगे या फिर मॉप अप राउंड में मिल सकती हैं, कब तक आपको वेट करना होगा, या फिर वो रेडियो डर्मा का सीट हो या मेडिसिन पीडी या गायनी का सीट हो, या फिर आपको ऑर्थो या सर्जरी का सीट हो, या फिर साइकेट्रिक ओपथल ENT एनेस्थीसिया का सीट हो, या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच में पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी जैसे ब्रांच अगर चाहिए तो आपको किस तरीके से काउंसलिंग करना होगा, इस स्कोर पे कैसे आपको स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो अभी एलिजिबल नहीं है, कट ऑफ रिविजन के बाद एलिजिबल होंगे। तो मैं बता दूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको लगभग 200 प्लस क्वालिफाइंग स्कोर होने वाला है, आफ्टर कट ऑफ रिविजन लगभग 210 या फिर 215 हो सकता है, इससे भी नीचे जाए, लेकिन इतना आपको टारगेट लेके चलना ही होगा और अपना साथ में प्रिपरेशन भी बनाए रखें। लेकिन जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो OBC या फिर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 200 से नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है। तो चलिए हम आपको वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है और आपका प्यार जताते हैं तो लाइव करके तो हमें पॉजिटिविटी आती है और मैं आपको रेगुलर एक नए अपडेट के साथ आपको वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साथ में यदि चाहे तो आप एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं लेना तो वीडियो के स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। हमारे इंडिया के सभी स्टेट के सभी कॉलेजेस में लगभग हमारे द्वारा किए हुए काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट, चाहे तो उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको दूसरी पॉइंट में बात किया, हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो इंडिया में लगभग 5-7 ऑफिस है, हमारा सेंटर है, महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, महाराष्ट्र में हमारा मुंबई में सेंटर है, पुणे में सेंटर है, इसके बाद राजस्थान में आपका जयपुर में सेंटर है, दिल्ली में हमारा अवेलेबल है सेंटर, साथ में वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और बेंगलोर, कर्नाटका के अंदर बेंगलोर में भी हमारा सेंटर अवेलेबल है। जो आपका नज़दीक सेंटर है, आप चाहें तो उस नज़दीकी सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट, हमारे काउंसलर या फिर मैं या हमारी टीम आपको भरपूर कोशिश करेंगे कि चीफ एंड बेस्ट कॉलेज मिले, ताकि आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम को फेस ना करने पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर 200-350 आता है। तो ऐसे में 200-350 स्कोर आता है तो आपको पता ही है कि रेडियो और डर्मा जैसे सीट लेना कितना ही टफ होता है। ये हायर क्लिनिकल ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं और इस टाइप का स्कोर आता है तो जो माइनॉरिटी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से पहले मैं बता दूं कि जो फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट हैं, उनको तो गवर्नमेंट सीट किसी भी ब्रांच में मिल सकती है, लेकिन जो ST कैंडिडेट हैं उनको लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएंगे गवर्नमेंट में। लेकिन जो SC से बिलोंग करते हैं उन्हें DNB के अंदर लोअर क्लिनिकल ब्रांच, एवरेज ब्रांच मिल सकते हैं, लेकिन जो NB डिप्लोमा लेना चाहते हैं उन्हें भी SC ST को अच्छे अच्छे ब्रांचेज मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जिन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है या फिर DNB की सीट नहीं मिल पा रही है, NB डिप्लोमा की सीट नहीं मिल पा रही है, तो आपके पास लास्ट और फाइनल ऑप्शन होगा लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो इस रैंक पे लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको मिनिमम 35-40 लाख से स्टार्टिंग प्राइस होगा। इसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि 35-40 लाख पर एनम का रेडियो डर्मा जैसे ब्रांचेज मिल सकती है, या फिर अगर इस बजट में अगर आपको सीटें अवेलेबल नहीं हुई तो आपको रेडियो डर्मा के लिए आपको हो सकता है 50 लाख 55 लाख 60 लाख या फिर 70 लाख भी पे करने पड़ सकते हैं। तो 70 लाख आपको मैंने बताया ऑन एवरेज बताया, लेकिन इससे भी ज़्यादा बजट जा सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके लोकेशन पे, डिपेंड करेगा आपके कॉलेज आप कैसा चॉइस कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, डिपेंड आपको काउंसलिंग पे करेगा किस स्टेट में आपको कौन कौन से राउंड पे मिल सकती है। ऑप्शन स्टेट आपको दिया हुआ है कौन कौन से स्टेट में
आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इस स्कोर पे आपको ऑप्शन होगा मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा और नॉर्मल फी पे भी सीटें मिल सकती है। स्टेट आपको को बता दूँ तो उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी स्टूडेंट को चांसेस बन सकती है। इसके बाद बिहार स्टेट में ट्राई कर सकते हैं एनआरआई कोटे से या फिर मैनेजमेंट कोटे से, राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा, छत्तीसगढ़ में एनआरआई कोटे से ट्राई कर सकते हैं या फिर जिनका डोमिसाइल है वो ट्राई कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में एनआरआई के साथ साथ मैनेजमेंट कोटे से भी आप ट्राई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश ओनली एनआरआई से आपको सीटें मिल पाएंगे, महाराष्ट्र में भी सिर्फ एनआरआई कोटे से सीट मिल पाएंगे। इसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। डीम्ड में जैसे आपको बात करें कर्नाटका में कुछ डीम्ड है जो एनआरआई मैनेजमेंट से सीटें मिल सकती है, इसके साथ महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में सीटें अवेलेबल है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, पौंडीचेरी में डीम्ड काफ़ी अच्छे हैं जहां आपको टारगेट करना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में, ऐसे बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनको आप टारगेट में लेकर चल सकते हैं। इसके बाद यदि आपको रेडियो डर्मा के सीट के अलावा सेकेंड ऑप्शन यदि आपके पास आते हैं मेडिसिन, पीडिया, गायनी और ऑर्थो जैसे ब्रांच, तो यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं कि फिजिकली हैंडीकैप को तो गवर्नमेंट मिल जाएंगे, सारे ब्रांच मिल जाएंगे इस स्कोर पे 200 to 350 पे, लेकिन यदि आपको एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलेंगे एमडीएमएस के, सिर्फ लोअर क्लीन के ब्रांच एसटी कैंडिडेट को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट होंगे एससी एसटी से वो डीएनबी के अंदर ट्राई कर सकते हैं, ऑन एवरेज ब्रांच मिल सकती है, एनबी डिप्लोमा के अंदर रेडियो डर्मा के छोड़ के सारे ब्रांच मिल जाएंगे। लेकिन अगर जिन्हें सीटें नहीं मिल पाती है या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से, तो आपको मेडिसिन, पीडिया, गायनी, ऑर्थो जैसे ब्रांच लेने के लिए 40 to 60 lakh रुपीज़ पर एनम का ऑन एवरेज पैकेज पे सीटें मिल सकती है। वैसे तो 60 मैंने ऑन एवरेज बताया, 70, 80, 90 lakh पर एनम का भी सीटें अवेलेबल हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस किस स्टेट के लिए कौन से राउंड में आप जा रहे हैं। किसी किसी स्टेट में आपको राउंड वन में भी सीटें मिल सकती है, किसी स्टेट में राउंड टू मिल सकती है, लेकिन किसी किसी स्टेट में मॉप अप में पता चला कि जिस स्टेट में मॉप अप में सीट मिलना था उस स्टेट में मॉप अप नहीं किया, जिस स्टेट में राउंड टू में सीट मिलना चाहिए था उस वहाँ राउंड टू नहीं किया, जहाँ राउंड वन में था मिलना वहाँ पे आपने राउंड वन न करके राउंड टू किया और आप अपॉर्चुनिटी को खो जाते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट काउंसलिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है, ऐसे में आप किसी काउंसलर को हायर करते हैं तो हो सकता है अगर उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है अच्छे तरीके से काउंसलिंग दे पाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, चांसेस बढ़ सकती है। वैसे आपको बात करूं तो आपको माइनॉरिटी स्टूडेंट को 35 to 40 lakh का पर एनम का सीटें इजीली मिल सकती है, लेकिन जो नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए 40 lakh, 45 lakh, 50 lakh, 55, 60 lakh तक का ऑन एवरेज बजट जा सकता है। इसके अलावा आपको इससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करेगा आपके स्टेट और लोकेशन और कॉलेज पे। यहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटे के साथ साथ एनआरआई कोटे और नॉर्मल सीट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेट का ऑप्शन मैं आपको दे दिया हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और डीम्ड यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नॉर्मल सीट है, सिर्फ किसी भी तरीके ना ही कोई मैनेजमेंट कोटे की सीट है ना ही एनआरआई कोटे की। बिहार के अंदर आप नॉर्मल के साथ साथ एनआरआई से आप ट्राई कर सकते हैं, राजस्थान में मैनेजमेंट कोटे से ट्राई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में आपको नॉर्मल के साथ एनआरआई ट्राई कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल में चांसेस 50-50 को होगा, एनआरआई से आपको 100% चांसेस हो सकती है। यदि आपका ब्लड रिलेशन नहीं भी हुआ तो भी सेकेंड ब्लड आपको चल सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से डील कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल ट्राई कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट और आपको मेंशन कर दूं कि किसी किसी स्टेट में किसी किसी कॉलेज में काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी चलता है। ये नेगोशिएशन तब चलता है जब कॉलेज के यहाँ कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीटें वैकेंट रह जाती है, इस कंडीशन में काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन करता है। इसके लिए आपको प्रॉपर अपडेट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है कि आप चूक सकते हैं, इसके लिए चाहे तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलते रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो सर्जरी और ऑप्थल जैसे ब्रांच चाहते हैं और नीट स्कोर 200 to 350 आती है, तो यहाँ पे जो आपका लोवेस्ट फी स्ट्रक्चर हो सकते हैं 12 lakh to 50 lakh जिन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है। गवर्नमेंट सीट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप को तो 110% सारे क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे, लेकिन जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें ऑप्थलमोलॉजी के चांसेस बनेंगे और एससी को भी चांस बन सकते हैं, डीएनबी ट्राई कर सकते हैं, एनबी डिप्लोमा में तो सारे ब्रांच आपको सर्जरी और ऑप्थल दोनों मिल जाएंगे। इससे बड़ा ब्रांच चाहिए तो आपको प्राइवेट ट्राई करना होगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जिन्हें सीट नहीं मिलता है
EWS से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, या फिर OBC से, या फिर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको 12 लाख पर एनम से स्टार्टिंग प्राइस होगा। और ये आपको 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 या 50 लाख पर एनम जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे यूपी में आपको 25 लाख पर एनम का फी जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो यूपी जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में कर्नाटका में भी आपको कुछ कॉलेज में जो क्वालिटी वाइज पुअर हैं, मॉपअप राउंड में चांसेस बन सकती है 12 लाख पर एनम का। ऐसे में हरियाणा जैसा स्टेट में चांसेस बन सकती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का टारगेट होता है कि हमें महाराष्ट्र जैसा स्टेट से करना है, या फिर टॉप के मेडिकल कॉलेज से हमें पीजी करना है, सर्जरी का ब्रांच हो या फिर ऑप्थल का। ऐसे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बजट को बढ़ाना पड़ेगा, और वैसे में आपको 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख का पर ईयर का फी स्ट्रक्चर जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको NRI के थ्रू चार्ट के साथ साथ आप मैनेजमेंट कोटे के भी सीट ले सकते हैं। ऑप्शन स्टेट आपको दिया हुआ है, जो कि आपको मैं कंटिन्यू स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टेट में है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पौंडीचेरी हो गया, उत्तर प्रदेश में संतोष मेडिकल कॉलेज, इसके साथ साथ आपको हरियाणा में है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, MMU मुलाना, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोअर क्लिनिकल ब्रांच का, जिनका नीट स्कोर 200 टू 350 आते हैं, ENT, ऑप्थल, एनेस्थीसिया और साइकेट्रिक जैसे ब्रांच। आपको मैं बता दूँ, फिजिकली हैंडीकैप को तो सीट मिल ही जाएगा, SC को तो नहीं, लेकिन ST को सीट मिलने के चांसेस बनेगा, SC थोड़ा बॉर्डर लाइन पे होंगे। वैसे ST को भी सभी स्टेट में सीट नहीं मिलेंगे, स्टेट वाइज कुछ कुछ स्टेट में चांसेस बन सकते हैं। DNB में चांस काफ़ी अच्छा रहेगा, SC ST को, NB डिप्लोमा में काफ़ी अच्छा चांस रहेगा। यदि जिनको सीटें नहीं मिल पा रही है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो मिनिमम प्राइस होगा वो 12 लाख पर एनम टू 30 लाख पर एनम, डिपेंड करेगा कि मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ लोकेशन, कॉलेज, क्या आप टॉप कॉलेज से PG करना चाहते हैं, या फिर ऑन एवरेज कॉलेज चलेगा, या क्वालिटी वाइज पुअर है वो भी चलेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो ऑन एवरेज आपको 12 टू 30 लाख पर एनम जा सकते हैं। लोअर क्लिनिकल ब्रांच में आपको UP काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन होगा, बिहार ऑप्शन होगा काफ़ी अच्छा, हरियाणा काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ और भी स्टेट हैं जहाँ के आप टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका लोअर क्लिनिकल के साथ साथ नॉन क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, बजट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में पैथोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी जैसे ब्रांच चाहिए, तो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे ब्रांच तो आप फ्री में ही आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा दी जाती है। वैसे गवर्नमेंट के भी चांसेस हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो आप प्राइवेट कॉलेज से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन के लिए लगभग 3 लाख टू 15 लाख पर एनम जा सकता है। ऐसे में स्टेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे दिया हुआ है, इस स्टेट में आपको टारगेट करके चलना होगा। डिपेंड करेगा कि आप किस राउंड में कौन कौन से स्टेट को अप्रोच कर रहे हैं। क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं काउंसलिंग क्या होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये हर साल चेंज होते रहता है, आप पिछले साल के साथ किसी भी काउंसलिंग को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 2018 को 2019 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, 2019 को 2020 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, 2020 को 2021 में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से 2021 को 2022 में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और 2022 को 2023 में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके के कट ऑफ है वो मैच नहीं करता है। पता चला कि रेडियो का सिर्फ 2019 में कुछ और था, 2023 में कुछ और था, या फिर 2022 में कुछ और रैंक में मिला और 2023 में कुछ और रैंक में मिला, तो डरना नहीं है। स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब होता है, एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको कौन कौन से स्टेट को टारगेट करके चलना है, किस किस स्टेट में आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हर साल नए मेडिकल कॉलेज आते हैं, हर साल पुराने मेडिकल कॉलेज में न्यू सीटें आती हैं, तो यहाँ पे आपको टारगेट करके चलना होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीटें कहाँ पे हैं, और लो मेरिट स्टेट कौन कौन से हैं, और कौन कौन से लो मेरिट स्टेट में कितने सीटें इंक्रीज हुई है, या फिर हाई मेरिट स्टेट में सीटें इंक्रीज हुई है नहीं हुई है। पता चला कि आपने हाई मेरिट स्टेट में ही सिर्फ काउंसलिंग करते रह गए और लो मेरिट स्टेट का ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया, और पता चला कि आपको सीट भी नहीं मिला, साल भी गया और अगले साल के लिए तैयारी किए और जो आपका टारगेट स्कोर था उससे भी नीचे चला गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको साल भी जाएगा, साल के साथ साथ
जो ब्रांच आपको इस साल मिल रहा था अगले साल पता चला कि उससे छोटा ब्रांच के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ा। यदि आपको गवर्नमेंट भी मिल रहा था लेकिन आपको प्राइवेट से संतुष्टि करने पड़ गया, तो ऐसा अगर गलती करते हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं गलती का परिणाम तो जरूर ही मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके से कहीं ना कहीं फंसे, इस तरीके से गलत डायरेक्शन में जाए, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को फ़ोन कॉल भी आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच जिनका स्कोर 200 टू 300 के बीच में आता है उन्हें 150 का भी बजट दिया जा रहा है, यानी कि 150 इन द सेंस कि 50 लाख पर एनम या फिर 30 लाख पर एनम, बहुत सारे लोगों को 20 लाख पर एनम का भी कहीं ना कहीं ऑफर जा रहा है। तो ऐसे ऑफर में ना पड़े, क्योंकि ये फिक्स ऑफर नहीं होता है। आपको अगर कोई 50 लाख पर एनम बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है। अगर 50 to 60 लाख बोलता है या फिर 50 to 70 लाख बोलता है तो ऑन एवरेज चल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट होना संभव नहीं है। किसी भी पार्टिकुलर कॉलेज में अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको 50 पर ईयर में आपको सीटें अवेलेबल करा सकता हूँ, ऐसे में आप पिछले तीन साल का कट ऑफ चेक कीजिए, सीट चेक कीजिए कि क्या पिछले तीन साल में जो सीटें थी क्या इस साल सीटें इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। अगर इंक्रीज नहीं हुई तो सीट कैसे दिला सकते हैं। ये सारे ऑनलाइन सारे आपको कटअप मिल जाएंगे, सारे चीज़ें मिल जाएंगे, फिर भी हमें ट्रस्ट क्यों करना है। और ट्रस्ट जो करते हैं वो फंसते भी हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि उतने फी में जब सीटें कहीं पे है नहीं, और ना ही पिछले साल इसका कटअप गया था, ना ही इसके पिछले साल गया था, और ना ही कोई उतना ज़्यादा सीट इंक्रीज हुई है उस कॉलेज में, तो ये सीट संभव कैसे हो सकता है। ऐसे में आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, साथ में अपना मनी बर्बाद करेंगे, साथ में आपका साल भी जाएगा, और साथ में आपको पता चला कि अगले साल का प्रिपरेशन भी अच्छे से आप नहीं कर पाए, और अगला साल भी हो सकता है कि इसी तरीके से रहा तो आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। तो ध्यान देना होगा, गलत लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, बाकी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप का हमें वीडियो चाहिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।